नमस्कार, मैं प्रेरणा जोशी। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव राजस्थान। रोडवेज के बंद किए मार्गों पर फिर चलेंगी बसें, राज्य सरकार ने किए थे बंद। राजस्थान रोडवेज के पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से बंद किए मार्गों पर पुनः बसों का संचालन शुरू होगा। इसके लिए फिलहाल बंद किए रूटों को पुनः चालू करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज के पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से बंद किए मार्गों पर पुनः बसों का संचालन शुरू होगा। इसके लिए फिलहाल बंद किए रूटों को पुनः चालू करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। यह जानकारी मंगलवार को विधानसभा में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दी। उन्होंने कहा कि बस सेवा से वंचित गांवों तक बस सुविधा मुहैया कराए जाने के प्रयास चल रहे हैं। परिवहन मंत्री ने प्रश्नकाल में कहा कि पिछली सरकार में बेवजह बंद किए गए रोडवेज के संचालन मार्गों पर परिवहन विभाग एवं रोडवेज के अधिकारियों से सर्वे कराया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जिन मार्गों पर बसें नहीं चल रही और ऐसे गांव जो बसों से नहीं जुड़े, उन्हें बस सेवा से जोड़ने के लिए रोडवेज की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ठोस योजना बनाई जाएगी। रोडवेज की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खाचरियावास ने विधायक हमीर सिंह के सवाल के जवाब में कहा कि बाड़वेर के सिवाना में रोडवेज बसों को पुराने बस स्टैंड के करीब 100 मीटर की दूरी से संचालित किया जा रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले यहां एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु के बाद जन विरोध हुआ था। जोधपुर समदड़ी जालौर मार्ग पर निगम की बसें संचालित नहीं हैं। इसका संचालन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर निर्भर करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बसों का संचालन किया जा रहा है। धन्यवाद।